टू माय YouTube चैनल। होप आप सब बढ़िया हो। सो गाइस, मेरा नाम है करण। अगर आप मेरे को नहीं जानते, हिट द सब्सक्राइब बटन, आप मेरे को जान जाएंगे। सो गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर हो रही है बारिश। हम आए थे कोई वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमारी हालत हो चुकी है बुरी। यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली, और हम आपको भी किसी से मिलवाऊँगा मैं आज आपको। अभी मैं दिखा नहीं सकता पीछे क्या चीज़ है। अभी वहाँ पर कुछ वीडियो शूट चल रही है, वो वीडियो कम्प्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ओनली वन इन इंडिया, वो वाला सिस्टम है। अभी आपको प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट्स, गाड़ी के बारे में प्रॉपर दिखाएंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है और कहाँ से क्या करवा रखा है। अगर आपको कुछ भी करवाना हो तो आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज़, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ। सो गाइज़, ये है हमारे साथ अमन, जिनका चैनल है, चैनल का नाम बताओ। कार म्यूटर्स है भाई मेरा चैनल का नाम। हम कार की मॉडिफिकेशन की वीडियोस बताते हैं, कार रिव्यूज करते हैं, व्लॉग्स भी बना लेते हैं, दो चार जैसे भाई बना रहे हैं आजकल। तो सो ये कार है भाई की, ये प्रॉपर भाई ने रैप करवा रखी है। एक बार दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। ये ओवरऑल देख सकते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ चेंजेस अभी भाई ने करवाने हैं। भाई कह रहे हैं अभी इसमें बहुत चीज़ें अभी ऐड होगी। मैंने कोई नहीं, एक वीडियो फिर बाद में फिर से बना लेंगे। फिलहाल देखो लोगों के पास है नहीं, ये बोलूंगा कि जिन लोगों के पास है उन लोगों ने इसको इतना मॉडिफाई करा नहीं है। ये जब कलर सेलेक्ट करा था तब तक ये कलर था नहीं किसी भी बीट के ऊपर। अभी रिसेंटली मेरे पास एक आधी स्टोरी आई है इंस्टा पे, किसी और भाई ने भी सेम कलर करा लिया। भाई देखो क्लस्ते हैं तो ये भी देखो, मतलब यार गुस्सा इससे क्यों निकालना। ये देख रहे, मतलब ऐसे बहुत निशान देखे मैंने, गाड़ी के पीछे भी लगे ऐसे कुछ निशान ये भाई। लेकिन ओवरऑल लग मेरे को बड़ी प्यारी रही है देखने में, कलर वाइज भी। ये कलर ही क्यों चूज करा भाई? ये कलर आता है M3 के अंदर, BMW। अच्छा अच्छा, वो 1.6 करोड़ की है, तो बनेगा। कह रहे हैं हम इससे से फील पूरी ले लेते हैं यार। नहीं नहीं, वो भी लेंगे फ्यूचर में अगर बनेगा तो। अभी इसका ये गाड़ी चूज करने का रीजन ये था कि ये वाली गाड़ी मोस्टली अभी लोगों के पास है नहीं। अच्छा। और इसका मैंने फ्रंट ग्रिल हटा दिया है काट के, वैसे ये घर वाली जाली है, बट आप अगर दूर से फोटो में देखोगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, इतना पता नहीं चल रहा है इसमें सिस्टम सारा ही है। घर वाली जाली है, 400 रुपए की है। अच्छा, ये जुगाड़ वाला काम। जुगाड़ वाला काम। और इसमें क्या क्या चेंजेस करवा रखे आपने गाड़ी के अंदर? अच्छा, इसकी कॉस्टिंग थी हमारी 30-32 हज़ार के आसपास मान लो। अच्छा, अप्रोक्स 30-32। हाँ, बाकी 35 तक ही जाएगा अगर ये आप पेंट वेंट इंक्लूड कर दोगे, जो मैं साथ ये बाहर से पेंट है या फिर रैप है? ये ब्लैक वाला जो भी पोर्शन है सारा पेंटेड है। अच्छा, ये ब्लैक वाला पोर्शन पूरा, ये ब्लैक, ये पूरा पेंटेड है। हाँ, ये और अभी ना बारिश आ चुकी है, हमने पूरी वॉश करवा के लेके आए थे, लेकिन फिर से वॉश हो चुकी है। ब्लैक एलिमेंट जितने भी दिखेंगे रबड़ के ऊपर पेंट कर नहीं सकते। ये पहले गाड़ी के कलर में था, इसको ब्लैक ग्लॉस ब्लैक करा हमने। अच्छा, इस पे हल्का सा शायद पेंट भी, प्राइमर देख पाओगे तो ये है। ये अलग से आता है आई पॉप का, ये भी मिल जाता है। ये ब्लैक हैंडल है, इसको भी ग्लॉस ब्लैक करा, रबड़ पे कर नहीं सकते थे। और ये जो है ये टेपिंग हो रखी है ये ग्लॉस ब्लैक की, और ये ग्लॉस ब्लैक का हमने पेंट कर रखा है इसके ऊपर पूरा का पूरा। ये भी मतलब पूरा पेंट है ये भी? हाँ, ये पहले सिल्वर थे गाड़ी के अंदर। अच्छा, और हाँ एक चीज, अगर किसी को ये करवाना हो कहाँ से करा सकता है भाई? देखो अभी तो फिलहाल हमने अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अपना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो अगर किसी को कोई चीज परचेज करनी है या लेना है, कार से रिलेटेड आइटम हो गए, स्पेयर पार्ट तक हो गए, अगर बोर्ड मो पे नहीं मिल रहे तो भी मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को मिल जाए, खास करके इन गाड़ियों के पार्ट जो कि मिलते नहीं है मार्केट में। तो आगे की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर आपको हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएगी, DRL है अंदर, ITH के प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, उसके पीछे 65 वॉट की HID लगी हुई है। और ये अंदर इसको भी हमने, वैसे ये एक बारी हेडलाइट आपकी खुल जाए ना तो फॉग आएगी आएगी वॉशिंग की और बारिश की। हाँ, ये तो मैंने नोटिस करा, हर गाड़ी का है तो मेनली सारी कार में आता है। हाँ, सारी कार का है। ये वाला एलिमेंट हमने ब्लैक करा है,
और सेम अंदर भी ग्लॉस ब्लैक हो रखा है, यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, ये हल्का बहुत दिख रहा होगा। तो जब ये धूप में साफ हो जाती है तो लाइट अच्छी लगती है देखने में। इसमें अंदर एक रिंग है और ये अपने DRL है, नीचे IPH फॉग लाइट लगाए हैं। ओ भाई गरम गरम हो रहा है। अच्छा ये बताओ ये इसकी फॉग लाइट कहाँ गई? ये भाई ट्रिप पे हम गए थे, कहाँ गया? तो ब्लास्टर लटका हुआ, फॉग लाइट नाराज हो रही थी, वो निकल के भाग गई। वो भाग गई घूमने चली गई। ये हमारा फॉग लाइट कवर है, इसको भी ग्लॉस ब्लैक करा मैंने। ये स्प्रे पेंट, ये खुद करा या फिर मतलब ये भी करवाया है बाहर से पूरा? मतलब ये पेंट वेंट खुद करा है? सारे पार्ट तो मैंने पहले खोल लिए थे, ये मेरा ऑर्डर पे लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो ये वाला जो है ये मैंने स्प्रे पेंट खुद करा है, क्योंकि वो सारे ऑलरेडी मेरी उससे हो रखे हैं जिससे कार पेंट करते हैं। हाँ, कार वाले जिससे अलॉय पेंट हुआ बेसिकली ये वाला। अच्छा अलॉय भी पेंटेड है मतलब ये? और इसका ओरिजिनल कलर कौन सा था? ओरिजिनल कलर नहीं था, ये मायापुरी के भाई 3,500 रुपए के अलॉय है। अच्छा मतलब जुगाड़ वाला काम है सारा? जुगाड़ वाला काम है इसका। देखो ये पेंट भी थोड़ा सा शायद हट गया। हाँ, ये थोड़ा सा हट गया। पत्थर पत्थर लगे हैं इस पे ट्रिप पे, यही होता है पत्थर लगना थोड़ा। हाँ, तो पीछे ये सिल्वर था, ये डायमंड कट पोर्शन था, बाकी ये पीछे पहले भी ब्लैक थे, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक पूरा ग्लॉस ब्लैक करके बेसिकली क्रोम डिलीट करना था मेरे को, बट क्रोम मैं प्रॉपरली डिलीट कर नहीं पाया क्योंकि ये वाला जो पार्ट आया मेरा इसके अंदर क्रोम अगर हटा दूंगा तो पीछे इसमें ना रिवर्स लाइट है, जब रिवर्स गियर लगेगा अच्छा तो ये वाली लाइट ग्लो करेगी और यहाँ पे फिर पीछे का पूरा पोर्शन आएगा तो साइड मिरर में अंदर से दिख जाता है। ओके। तो ये अगर ब्लैक कर देता तो इसकी रिफ्लेक्शन खत्म हो जाती, तो ये पार्ट रह गया। इस चक्कर में पूरा ग्लॉस ब्लैक का सिस्टम नहीं बना, नहीं को अगर पीछे से पूरा देखोगे तो पूरा ग्लॉस ब्लैक और रेड सिर्फ दो ही कलर है इसके अंदर। अच्छा है। और ये जो लाइट है आपका, लाइट की क्या कॉस्टिंग आई होगी भाई? ये लाइट का खोल के फिटिंग करके पेंट करके इसकी कॉस्टिंग आई थी 13,500 रुपए। मतलब 13,500 रुपए दोनों, मतलब पूरा पर प्रॉपर खोल के लगाना। IPH प्रोजेक्टर, इसमें डेमन आई भी लगी हुई है, वो भी मैं दिखाता हूँ, वो कलर चेंजिंग है। अच्छा कलर चेंजिंग है वो? हाँ, बट उसको भाई जिसके पास आईफोन है, जैसे मेरे पास घर पे पड़ा हुआ मैं देता नहीं, तो ये मैंने रेड पे सेट कर रखा है नाइट टाइम में, भाई बहुत जबरदस्त लगता है ये। मेन से चेंज रहेगा जैसे इंजन स्टार्ट होगा ना, मतलब इग्निशन पे आएगी गाड़ी, तो सबसे पहले ये जलती है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी पार्किंग लाइट होती है नॉर्मल कारों में, वो छोटा सा बल्ब होता है, उस पे इसके कनेक्शन हो रखे हैं DRL के। और सेकंड पॉइंट पे लो बीम है और हाई बीम जो सब पे होता है सिस्टम, इसमें भी हाई बीम लो बीम दोनों है। ये IPH प्रोजेक्टर है, इसमें सेम HID लगी, इसमें भी सेम HID लगी। और अभी ये कुछ रीजंस की वजह से हमने हाइड कर रखा है नंबर थोड़ा सा। मेरे एक फ्रेंड थे, उनका साथ क्या हुआ था भाई, उन्होंने अपनी गाड़ी रैप करा रखी थी और वीडियो वो भी डालते थे जैसे हम डालते हैं, तो भाई किसी ने स्क्रीनशॉट लेके चलान भेज दिया है, क्या करा मेरे को नहीं पता नहीं ऐसा लोग करते ही क्यों है। उनका चलान आया था, तो ये नंबर प्लेट हाइड कर रखे फिलहाल के लिए। इधर जो है अपना ये ग्लॉस ब्लैक पेंट है, ये ऊपर से रैप हो रहा था, रैप की क्वालिटी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 हल्का बहुत है, और ये जैसे नीचे लग जाता है ना, ये तो वैसे ट्रिप पे लगी है तो ये फट गया, क्योंकि ये भी ट्रिप पे गए थे। हाँ, और इसके अंदर ये जो ग्रिल है ये पास से पता चल जाएगा घर वाली है। हाँ, लेकिन दूर से लगता है कि गाड़ी के अंदर कुछ हो रखा है। नहीं ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर कुछ लग जाए ना और अच्छा लगेगा ये। और पीछे की तरफ दिखाते हैं, पीछे की तरफ और ये साइड मिरर है भाई, ये एडजस्टेबल होता है 3R का, ये आपका बिल्कुल बाहर वाले के लिए बिल्कुल बाहर लेना, और ये आप नीचे की तरफ सेट कर सकते हो अपना पीछे के टायर के लिए जब पार्किंग में इशू आता है। और इसकी कॉस्ट क्या है भाई? इसकी कॉस्ट आती है अपनी, एक पीस आपका आता है 325 के आसपास का। अच्छा अच्छा, 325 का, 650 के आसपास। हाँ मतलब 650 कुछ का पेयर मिल जाएगा आपको ये प्रॉपर। पीछे का स्पॉइलर गाड़ी के साथ ही आता है, ओरिजिनल है ये, इसको ग्लॉस ब्लैक पेंट कराया है। कुछ लोग लगवाते भी अलग से ना, जिसके में नहीं होता इसके ऊपर अभी। ओके, पहले ये गाड़ी के कलर के अंदर ही था। पीछे की टेल लाइट मर्सिडीज वाली लगानी है। ओके। और ये ग्लॉस ब्लैक पेंट, मतलब ये लगवाना है ऐसा कुछ? हाँ, इसमें ट्रांसफॉर्मर का लोगो आएगा, इसमें पहले शेवरलेट का लोगो था। अच्छा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर, मतलब ये फुल ना बहुत प्यारी है। कोई नहीं कोई नहीं, अरे मेरे वाले व्यूअर अच्छे है वो गंदे नहीं है। एलिमेंट ये ग्लॉस ब्लैक है, रिफ्लेक्टर लाइट पहले आया, ये ब्लैक एलिमेंट पूरा ग्लॉस ब्लैक पेंटेड है। रिफ्लेक्टर लाइट बीट की पहले मिलती थी बट अब नहीं मिल पाती। अच्छा, एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर, ही एक्रोपोविक की टिप लगी है, बोल्डा का लगा हुआ है वेल्वेट्रॉनिक बटन वाला, वो मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे काम। एक बार इसकी आवाज सुना दो, आवाज लास्ट में सुना देंगे ना। चलो लास्ट में सुनाएंगे आप। और इंटीरियर में क्या क्या करवा रखा है आपने? इंटीरियर में ये LT मॉडल है, ये बीट का टॉप मॉडल था, तो ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट इसमें पहले से थे जैसे ऊपर देख पाओगे। इसको मैच करने के लिए ये तो मैंने अलॉय वाले से ही पेंट करवा लिए थे, मतलब ये भी पूरा पेंटेड है। हाँ, ये गाड़ी वाला पेंट ही हो रखा, ये नहीं हटेगा आपका, ये स्प्रे पेंट मैंने खुद कलाकारी कर। ये थोड़ा सा जब ही खराब दिख रहा है तो ये उस फिटिंग के टाइम उंगली लगी इसलिए ऐसा हो गया, बाकी ये वाला जेन्युइन है और ये भी जेन्युइन है, ये भी थोड़ा टाइम ऐसा हो जाएगा। सबसे अच्छा ये लगा मुझे स्क्रीन का, ये स्क्रीन का भी फ्रेम ग्लॉस ब्लैक करवाना था बट करवाया नहीं है। अच्छा, ये हाइपरसोनिक का लगा हुआ 216, ये प्रॉपर टच है ना? टच फुल टच है, फुल एंड्रॉइड है, प्ले स्टोर है इसके अंदर, कुछ डाउनलोड करना कर सकते हो, मतलब वीडियोस भी प्ले वाले हर चीज। हां, YouTube Blue यूज करता हूं मैं गाने सुनने के लिए। ओके, और ये चीज अच्छी है। ये भाई अगर कोई भी हमसे ऑर्डर करता है, अगर आप भाई से कुछ भी सामान लेते हो ना कार म्यूटर्स ऑनलाइन स्टोर से कोई भी ऑर्डर करता है तो आपको ये एक प्यारा सा किचन मिलेगा साथ में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्ट के साथ जाते हैं हमारे। अभी भी देख पाओगे कि थोड़ा बहुत पैकिंग का सामान इसमें हमेशा रहता है क्योंकि गाड़ी में अभी भी
सामान मतलब ये कुरियर करने का है किसी का सामान, वो भी रखा ही करेंगे कुरियर बाद में। हमने कहा पहले प्रॉपर एक वीडियो बना लेते भाई की कार की। और क्या क्या है भाई इसमें? तो आपको लगता है ये वाला मीटर भाई गाड़ी का नहीं है, ये अलग से लगा हुआ है, तो ये गाड़ी का ही मीटर है, इसमें ऐसे ही आता था। ये टाइम पास के लिए बैटमैन लगा रखा है, कभी गुस्सा आ रहा हो, ये बहुत प्यारा है लेकिन ये सही है, तो इससे कभी गुस्सा आ रहा हो तो भाई ये टाइम पास करा देता अपना। इधर एंड्रॉइड के बारे में मैंने आपको बता दिया। इधर जो है गियर नॉब मेरे को चेंज करना था, बट गियर नॉब जो मैं लाया हूँ ये निकल नहीं पाया, और उसी के साथ ये भी चेंज होएगा, ये तो अलग से चेंज हो जाएगा। हाँ, ये सिल के मिलेगा, ये हम सिलवाएंगे, मतलब अभी हमने जो फैक्ट्री लगाई है और जो हमने ऑफिस खोला है तो वहाँ पे सारी एक्सेसरीज भी मिल जाएगी आप लोगों को, और इंटीरियर किसी ने करा। और अभी ऑफिस की डेटा हम एंड में बता देंगे प्रॉपर, है ना? आपको दे दूंगा, आप एड्रेस डाल देना, मंडे को ओपनिंग है बेसिकली। ओके ओके। नीचे की तरफ 70 मैट है, ये कस्टमाइज 70 मैट है, बीट के लिए नहीं मिलेंगे, और आपके पास आइटम है शायद उसके लिए भी नहीं मिलेंगे। और ये बिल्कुल ना मैचिंग करवाई है भाई ने इससे और इससे, मतलब कि मैच कर रहा है बहुत प्यारा। और ये भी देखो प्रॉपर, ये ऐसा सीट कवर आता है एक्सयूवी 500 के अंदर, ये थोड़ा सा देख रहा हूं, ये बहुत फ्लफी टाइप है, अंडर थाई सपोर्ट इसका इंक्रीज हुआ है, तो वो वाला डिजाइन दिया है। मतलब भाई ने बहुत मेहनत करी है गाड़ी के अंदर प्रॉपर मॉडिफाई करने के लिए, गाड़ी का काम नहीं खत्म हो रहा यार, अभी तो बहुत काम बच रहा है भाई। ये देखो इस पे नहीं चढ़ा हुआ अभी, रूफ नहीं चढ़ा, ये भी अच्छा है। ये मेमोरी फोम के, ये वाले मेमोरी फोम का बेनिफिट क्या होता है, ये बिल्कुल आप दबा सकते हो और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा से चला जाता। अच्छा, और अगर किसी ने सीट कवर भी बनवाने हो वो भी आपके पास है? हाँ, सीट कवर सारे मिल जाएंगे, एक दिन पहले डिजाइन बता दो, मीन्स गाड़ी के जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। इस गाड़ी का नहीं, किसी भी गाड़ी का कुछ भी हो, हाँ, सब कुछ मिल जाएगा, ऑल मॉडल्स। हाँ, ऑल मॉडल्स। एक दिन पहले अगर कोई सीट कवर आपको कस्टमाइज चाहिए, कोई डिजाइन पसंद है, गूगल से निकाला है, वो भी मिल जाएगा। स्टेरिंग रैप नहीं हुआ, छत काली नहीं हुई, ये काले नहीं हुए, ये सारे काले होने हैं, पेंट होने हैं। सनग्लास होल्डर लगना, ये लाइट हट जाएगी। इस गाड़ी में ऐसा सनग्लास होल्डर आता था जो शायद किसी काम का। पीछे की तरफ आते हैं, अभी इसमें मतलब बहुत काम बच रहा है अभी। अभी काम बहुत सारा बचा हुआ है। पीछे भी नीचे की तरफ 70 मैट है, मैट इसके अंदर मैंने पीछे का मैगजीन डिलीट कर दिया था, क्योंकि जो भी घूमने उमने जाता है, हाँ, तुमने दिन में देखा क्या चिप्स के पैकेट सामान भरा होता है पीछे, फिर सारा, तो फिर वो मैंने हटा दिया इसके अंदर। साउंड का काम अभी बेसिकली नहीं करा है हमने, अवतार का खाली ये लगा रखा, मैंने मिड रेंज रख रखे हैं बेसिकली। इनकी आवाज भी अच्छी है, अच्छी आवाज है इनकी, मिड रेंज है, ये सेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी आवाज। और आपने डैम्पिंग भी करवा रखी है मुझे पता है। हाँ, ये पूरा फ्लोर आगे से लेके पीछे तक डैम्पिंग हो रखा, शायद यहाँ से दिख भी जाए थोड़ा बहुत, ये देखो पाओगे। ऑडियो की कर रखी है, सिंस 1988 का ब्रांड है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली क्वालिटी है इसकी। और ये अपना एयर पंप जरूरत पड़ती है, ये पतली वाली बेस रख रखी है, वर्ल्टेक के एम से सिर्फ बस ये दो चल रहे हैं, और अपना एक पतला सा बूफर चल रहा है। आपने गेट्स डैम्पिंग करवाए भी ना? नहीं, दरवाजे डैम्प इसलिए नहीं करवाए क्योंकि इसके अंदर स्पीकर नहीं है पहली बात, और दूसरी बात इन्होंने रैपिंग करने के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ते हैं। okay. तो उस टाइम क्या था कि कहीं कोई डेंट है या कुछ है तो वो हटाना पड़ता है रैप होते टाइम। अच्छा, और तो ये भी पूरा पेंटेड है ना? हाँ, ये भी पेंटेड है, मतलब ओवरऑल बहुत प्यारी है, ऐसा कुछ लुक है, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद आई। और इसमें बहुत कुछ काम बाकी है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, आपको दिखाएंगे वो भी बाद में, एक बाद में प्रॉपर वीडियोस की भी बनाएंगे जब अच्छा प्रॉपर काम हो जाएगा सारा। ये वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट का अपना पंप कह लो या कुछ भी कह लो, ये मशीनरी है मेन उसकी, यहाँ से हवा पंप होता है, और ये जो येलो ब्लू वाली वायर है ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, ये पूरा एयर जो है नीचे जाके पंप करेगी और अपना वेल्व ओपन हो जाएगा। ये इसका सिग्नल का एंटीना है, ये इसका पावर का है, पावर हमको आगे से देनी पड़ती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जाती है। की भी दिखा देना, की भी दिखा देंगे। की आपको इसके अंदर दो मिलती है बेसिकली, इस तरीके की मिलती है। ऑटो का फंक्शन काम नहीं करता, खाली ऑन और ऑफ चलता है आपका। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ये लगाना पड़ेगा अपना, ये पीछे से आ रहा है जो मैंने आपको दिखाया, उसको पावर चाहिए। यहाँ से ऑन करोगे तो ऑन हो चुका है वो, अब जैसे स्टार्ट करेंगे आवाज़ आएगी यहाँ से, तो न्यूट्रल चेक, और उसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। भाई बहुत लाउड है ये, पता नहीं वीडियो में पता चल रहा नहीं होगा लेकिन ये है यार बहुत लाउड। और ये कितने का है एग्जॉस्ट? ये एग्जॉस्ट है, किसी को लगवाना हो कितने तक का पड़ जाएगा? टिप लोगे तो 20,000 रुपए की आती है, ये सिंगल टिप ले रखी है। अच्छा। और सिंगल टिप के अंदर फिर मैंने अलग से पीछे से टिप लगा रखी है। उसमें डिफरेंस क्या होता है भाई? डुअल टिप ज्यादा लाउड है, पॉप क्रैकल ज्यादा आएंगे, सिंगल टिप के अंदर आपने भी देखा कि पॉप क्रैकल भी है और बेस भी थोड़ा सा साउंड आ रहा है। नहीं, आवाज बहुत अच्छी है इसकी। ये बेसिकली थोड़ा सा सस्ता है, वो डुअल टिप थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। फिर डुअल टिप के अंदर कार्बन फाइबर वाला आता है, फिर लेदर वाला आता है, 24-25,000 की। अच्छा, बहुत सारे मतलब ऐसे। अब आवाज आएगी, बंद कर दूंगा, आवाज बंद हो जाएगी। ये बहुत सही तरीका है, मतलब क्योंकि अगर मतलब ये सब चीजें बेसिकली गाड़ी पे इतने सारे चलान हो जाएंगे मेरे भरते भरते, क्योंकि ये सब चीजें ना अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, रैप अलाउड नहीं है, मतलब बहुत कुछ है इसमें। नंबर प्लेट रैप अलाउड है, रैप अलाउड है।
रैप अलाउड है? रैप अलाउड है, कलर चेंज करना, कलर चेंज करना अलाउड नहीं है ना, मतलब एक तरीके से वो वाला कलर की गाड़ी होती है और यही कलर इस पे करा रखा है तो अलाउड है। मतलब अगर सेम कलर ठीक है इसका, लेकिन गोल्डन कलर है ना, गोल्डन से रेड करवाया है तो उसका चलान है 10,000 का। फोन का देखो इंडिया के अंदर भाई, अगर फोन चेंज कर रहे हो तो भी चलाना है, इसमें प्रोजेक्टर लगे हैं, HID LED कर रहे हो, और इसमें लॉक वाला सिस्टम भी अच्छा है, उसकी आवाज अच्छी सुनाना एक बार। वो मैंने फोन के साथ ही कनेक्ट, हॉर्न के साथ कनेक्ट कर रखा है ना, बहुत प्यारा लगा वो मुझे। अच्छा मतलब इसमें करेटा का हॉर्न लगा हुआ है, लेकिन वो उसकी एक वायर निकल गई है। ओके, और ये लाइट भी जलती है, ये चीज नोटिस करना कितनी प्यारी लग रही है, ये बहुत अच्छा है। अभी गेट खुले हुए ना तो चलती रहेगी, फीचर है ये इसका। अच्छा ये सेफ्टी फीचर है, गेट खुल रहा है कोई? हाँ, गेट खुला हुआ है, जब तक खुले रहेंगे तब तक चलते रहेंगे, बंद होने के बाद बंद हो जाएंगे। गेट बंद होने के बाद बंद हो गए, अब लॉक करेंगे एक बार ही चले बंद। ओके, मतलब इसकी आवाज बड़ी प्यारी है, ओवरऑल गाड़ी भाई एक नंबर की बनाई है भाई, भाई ने बड़ी मेहनत लगी भाई, अभी भी कंप्लीट नहीं हो रही। कितना खर्चा हो गया होगा इसमें भाई? लगा लो जब से खरीदी थी तो मैकेनिकल काम अगर ना गिने, हाँ, और CNG के पैसे ना गिनूं तो 60-70,000 के आसपास, मतलब 60-70,000 रुपए इस पे लग चुके अब तक। हाँ। अभी तो और लगेंगे इसमें, बाकी है काम, और CNG जो मैंने लगवाई है उसे ना हटा, उसे हटा के 60-70,000 रुपए लगते हैं, उसको भी गिन लोगे तो प्लस ही चला जाएगा, मतलब 1+ अराउंड। लेकिन यार ओवरऑल भाई ने गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है, और इसमें जो मॉडिफिकेशंस होगी अगली एक वीडियो और बना लेंगे कभी, जब प्रॉपर हो जाएगी ना रेडी है उसका देख बनाएंगे। अभी होने वाली है, मतलब अभी लगा लो मंडे को ओपनिंग है, उसके बाद एक हफ्ता थोड़ा सा दूसरों की गाड़ी मॉडिफाई करेंगे फिर अपनी दोबारा। चलो अब अपनी शॉप के बारे में बता दो कि क्या सिस्टम है, किसी को कुछ भी लेना हो तो कहाँ से ले सकता है और क्या डिटेल्स है। भी अगर आप कोई पर्टिकुलरली चीज लेना चाहते हो क्रेटा सेल्टोस की ज्यादातर, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली कार मोटर्स, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, भैया शायद डाल देंगे, मैं डाल दूंगा, ले लेना। व्हाट्सएप पे थोड़ी सी कैटलॉग डली हुई है, बाकी जैसे आप लोगों को ठीक लगे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो क्वेरी, आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप लगवाना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा शॉप नंबर 5 विशाल मार्केट, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, जो कि दिल्ली में है, और कार कस्टम के नाम से आपको शॉप मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप लोग चाहो तो कुछ भी इंस्टॉल करवा सकते हो। और स्टार्टिंग में जो है हम एक्सेसरीज रख रहे हैं, साउंड हो गया, एंड्रॉइड हो गया, मतलब टोटली सब कुछ, रैपिंग को छोड़ के, बेसिकली रैप छोड़ के आप कुछ भी करवा सकते हो। एक महीने बाद जो है रैप और PPF वो सारी चीज़ें भी आने वाली है। ओके, और होम डिलीवरी अवेलेबल है? हाँ, होम डिलीवरी पैन इंडिया है, बट भैया कैश ऑन डिलीवरी के लिए कोई मत कहना, आपको एडवांस पेमेंट एडवांस है, तो हर किसी को पता है कि अगर कुछ भी चीज़ लेनी है तो उसमें एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी भाई। लेकिन भाई ओवरऑल भाई की गाड़ी मेरे को बहुत प्यारी लगी, काम भाई ने बहुत कुछ करवा रखा है, अच्छा खासा खर्चा करा हुआ भाई ने गाड़ी के अंदर भाई, मुझे तो पसंद आया बहुत। थैंक यू भाई, बहुत पसंद आया। कमेंट करके सारे भाई बता देना, और करण भाई के चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और भाई के चैनल को भी कार म्यूटर्स, ठीक है। अब मैं किशन भाई से लेके जाऊंगा। चलो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई ये गाड़ी है 1 in India है ना, अभी तक तो भाई, अभी तक तो 1 in India। चलो भाई, अच्छा सर अभी ग्राफिक का काम भी तो बाकी है, ये क्या लग गया? ये लगा हुआ यार, वही जो मैं बता रहा हूँ, किसी ने छैर ये किसी ने पंगे लिए भाई गाड़ी से। यार मैं बस ये बोलना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले कि भाई कोई भी खुंदस हो गाड़ी वाड़ी से मत निकालो यार, क्या रखा इन चीजों में, देखो ये कर दिए खराब, यार किसी ने पैसा इतना खर्च करा है क्यों कोई चीज खराब करनी। चलो छोड़ो, इसे खत्म करते हैं आज के वीडियो। सो गाइस बाय बाय।